So guys, if we are talking about the Vivo V9, then most probably we are talking about a shit. Hey, what's up guys, Samit here from SPK Tech TV. एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वीवो V9 के बारे में। सो आप लोगों को जो टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आपको सीधा सीधे मतलब मना कर रहा हूँ कि वीवो V9 मत लीजिए एंड अपना पैसा इसके ऊपर खर्च मत करिए। एंड सीधा सीधे बोला तो डोंट वेस्ट योर मनी सीरियसली। मतलब वीवो V9 एक नया फ्लैगशिप कह सकते या फिर एक मिड रेंज स्मार्टफोन वीवो ने लेके आया एंड इसका जो एडवर्टाइजमेंट किया मतलब IPL का अंदर मैच में एक एक ओवर होने के बाद हॉस्टल में जब मैं देखता हूँ तो तब तो IPL का ऐड तो लगा रहता ही है, तो पहले में आ जाते वीवो V9 का ऐड। तो इतना एडवर्टाइजमेंट किया है, बट इस फ़ोन में है क्या? पहले हम लोग इसका प्राइस देखते हैं, तो प्राइस है 23,000। बट इस 23,000 के हिसाब से हम लोग को क्या मिल रहा है, तो मैं आप लोग को थोड़ा स्पेक्स बता देता हूँ। तो इसमें आप लोग को मिलेगा फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि एक नॉच वाला डिस्प्ले जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, एंड देखने से ही पता चल जाता है iPhone 10 कॉपी। मतलब लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोस्त लोग छिड़ाते रहेंगे बस, और क्या। एंड उसके बाद अगर हम लोग कैमरा में आते हैं तो कैमरा विदाउट एन डाउट बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक कैमरा ये मतलब एक सेगमेंट है जहाँ पर ये थोड़ा लीड कर देता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं कि प्रोसेसर, तो क्या प्रोसेसर यूज़ होता है, तो 23,000 प्राइस वाला फ़ोन में हम लोग को स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर मिल रहा है। सो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आप सोचिए कि 23,000 एंड उससे भी ज़्यादा मतलब थोड़ा 3,000 और लगा देते हैं, 26,000 में आपको नोकिया 7+ मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है क्वालकॉम का एकदम नया स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, जो कि बहुत एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते कि वीवो V9 में 23,000 में अगर ये प्रोसेसर लेके आता तो माय गॉड बहुत ही अच्छा फ़ोन होता। बट इन लोगों ने 636 को भी स्किप करके 626 में चला गया, जो कि बहुत ही ओल्ड जेन प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर है 636 या फिर 660 इसके मुकाबले उतना भी एफिशिएंट नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि इसका बैटरी, तो बैटरी एकदम मतलब अच्छा है, एवरेज है। तो बैटरी में हम लोग नहीं जाते, हम लोग जाते हैं इसका रैम में। तो यहाँ पर हम लोग को 4GB का रैम और 64GB का रोम देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो रैम यूज़ हुआ है वो LPDDR4 नहीं है, वो है LPDDR3 रैम, जो कि मतलब स्लोअर रैम है, स्पीड कम है इसका। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर 4GB का रैम है विथ LPDDR3 एंड यहाँ पर 3GB का रैम है विथ LPDDR4, तो ये 3G वाला ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बट यहाँ पर वीवो ने वो नहीं किया, LPDDR3 मतलब जो कि स्लोअर रैम है उसे यहाँ पर दे दिया। एंड स्पेक्स में इन लोग उतने अच्छे तरह से बताते भी नहीं है कि एक्चुअली में इन लोग कौन सा वाला रैम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि 23,000 में आपको बहुत ही अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर और भी 3,000 रुपये बढ़ाकर आप नोकिया 7+ लीजिए, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आपको LPDDR4 वाला रैम देखने को मिलेगा, अच्छा कैमरा मिलेगा विद ज़ाइस ऑप्टिक्स, एंड उसके बाद हम लोग को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। एंड और भी एक बात, नोकिया 7+ पूरा मेटल फिनिश है, यूनिबॉडी 6000 एलुमिनियम सीरीज से बना हुआ है। बट वीवो V9 किससे बना हुआ है, देखने से लगता है कि मेटल का बना हुआ है, बट एक्चुअली मैं मेटल का नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है प्लास्टिक से। यस, प्लास्टिक से बना हुआ है। मतलब सोच रहे कि 23,000 आप एक फ़ोन पर लगा रहे हैं एंड उसके बाद आप लोग को एक प्लास्टिक का फ़ोन मिल रहा है, मतलब कहीं भी सोच के देखिए। अगर हम लोग अभी 11 या 12,000 का भी फ़ोन खरीदते हैं तो एक तो मन में रहता है कि अच्छा बिल्ड क्वालिटी अच्छा होगा, मेटल फिनिश होगा, जो कि एक प्रीमियम लुक देगा और एक बहुत ही अच्छा फील देगा। बट आपको V9 दूर से देखकर शायद अच्छा लग सकता है, बट हाथ में पकड़ने से आपको प्लास्टिक की फील आएगा एंड बहुत ही चीप फील आएगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब 23,000 में आप लोग क्या दे रहे हैं, प्लास्टिक बॉडी दे रहे हैं। तो ये लोग जो मार्केटिंग के ऊपर इतना पैसा लगा रहा है, अगर ये सेम पैसा अगर मैन्युफैक्चर में लगाता तो और भी अच्छा फ़ोन हम लोग को मिलता, बट ऐसा नहीं है, ये लोग सब एडवर्टाइजमेंट में ही लगा रहते हैं इसका, बस मतलब कुछ बोलने के लिए मुंह में वर्ड नहीं आ रहा है। एंड सेम नोकिया 7+ को देखिए, उतना भी क्या मतलब कुछ इन लोग ने मतलब जैसे कि मार्केटिंग ओप्पो या वीवो कर रहे हैं, तो इतना तो नोकिया 7+ कर ही मतलब नोकिया तो कर ही नहीं रहा, बट एक्चुअली में नोकिया 7+ बहुत ही अच्छा फ़ोन है,
आप ले सकते हैं। अब मैं जो दो ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो दो ऑप्शन यही है कि या फिर आप 3,000 रुपये बढ़ाकर आप नोकिया 7 प्लस लीजिए, जहाँ पर आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी बहुत अच्छा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर आप 16,000 या 15,000 में आप रेडमी नोट 5 प्रो ले लीजिए, तो उसमें आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब उसमें भी आपको 636 वाला प्रोसेसर, उसके बाद रैम भी LPDDR4X, एंड उसके बाद बिल्ड क्वालिटी भी फुल मेटल यूनिबॉडी, एंड बस उसका प्राइस कितना है 15,000-16,000। तो अगर वीवो V9 अगर हम लोग को ये सब कुछ ऑफर कर रहा है, अगर मुझे पूछता है कि मैं इसके लिए कितना प्राइस दूंगा, तो वीवो V9 ने जो कुछ किया इसका डिस्प्ले वगैरह कैमरा, तो 16,000 to 17,000 max। और एक बात आप लोगों को मैं कह देता हूँ कि आप लोगों को शायद आमिर खान का जो एडवर्टाइजमेंट दिखा था IPL का बीच में, शायद वो आपने देखा होगा कि कैसे एक पेट डॉग रहता है और एक पेट कैट रहता है, और उसको कैसे उसका बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। तो वहाँ पर थोड़ा हम गौर करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लर कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि F0.95, मतलब क्या चल रहा है, 0.95 अपर्चर। यहाँ पर आप लोग स्पेक्स में आप लोग अपर्चर दे रहे हो कि F2.0, और जब हम लोग कैमरा में या फिर एडवर्टाइज में आप कैमरा में आप जब ब्लर करते हुए दिखा रहे हो पोर्ट्रेट मोड, तब 0.95 हो गया। मतलब और कुछ मतलब बोलने के लिए मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है, बस सीधा सीधे यही कहना चाहता हूँ कि वीवो V9 को मत खरीदें, अपना 23,000 रुपये इसके ऊपर वेस्ट मत कीजिए, और भी अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च लगा लीजिए। बस इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि वीवो V9 कैसे हम लोग से पैसा लूट रहा है, बट एक्चुअली में उसके अंदर उतना कुछ नहीं है जितना हम लोग से ये पैसा ले रहा है। 26,000 के हिसाब से उन लोग ने हमें उतना सारा चीज़ हम लोग को नहीं दिया। तो बस वीडियो का और ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेकी, and like, comment, share and subscribe karna mat bhulna, and don't forget to hit the bell icon so that jab bhi main apna naya video upload karu aap logo ko sabse pehle notification mil jaye। I hope aapko video pasand aaya, bas aaj ke liye sirf itna hi, bye।